श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जनपद जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। स्थानीय निवासी के अनुसार लड़के को मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जालौन जनपद के कदौरा थाना अंतर्गत ग्राम बड़ा गाँव निवासी 65 वर्षीय रामलाल अपनी 60 वर्षीय पत्नी कुसुमा के साथ जानवरों को चराने के लिए खेत पर जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए उनके बेटे जनक सिंह ने उनका कुल्हाड़ी से हमला करते हुए उनकी हत्या कर दी। जब ये नजारा ग्रामीणों ने देखा तो वो भयभीत हो गए और वे छिप गए। बताया जा रहा है कि मृतकों की लाश के बीच 100 मीटर का अंतर है। उन पर कई बार वार किए गए हैं। इस निर्मम तरीके से हत्या क्यों की गई यह स्पष्ट नहीं हो सका। हत्या के बाद आरोपी मौके वारदात से फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक जालौन अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि हत्या आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। सुबह किसी बात पर कहा सुनी हुई, तभी ये उत्तेजित था। जब इसके माता पिता जानवर चराने खेतों से वापस आ रहे थे, तब उसने पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। सर, कदौरा थाने में ग्राम बड़ा गाँव में बेटे द्वारा माँ बाप को हत्या करने का मामला प्रकाश में आया। सर, क्या मामला है? जानकारी मिली है कि बड़ा गाँव के जनक सिंह उर्फ पुई पुत्र रामलाल ने अपने पिता रामलाल, जिनकी उम्र लगभग 65 वर्ष है, और अपनी माँ कुसुमा, जिनकी उम्र 60 वर्ष है, उनकी कुल्हाड़ी से वार करके हत्या कर दी है। इस संबंध में प्रारंभिक सूचना प्राप्त हुई है कि इसका मानसिक संतुलन अच्छा नहीं था। आज सवेरे घर पर कुछ कहासुनी हुई, उसके बाद से उत्तेजित था। जब इसके माता पिता जानवर चरा के वापस आ रहे थे, तो इसने पीछे से प्रहार किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। ये जंगल में भाग गया है, जिसकी तलाश पुलिस बल द्वारा की जा रही है। जालौन से हमारे संवाददाता अनुज पटना की खास रिपोर्ट।